नमस्कार दोस्तों साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। अभी हम लोग आज एक चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये चर्चा है कि हाल ही में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा श्रीलंका पूरा दिवालिया हो चुका है। ना उसके पास पेट्रोल डीजल दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और वहाँ पर महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोग है ना सो दैनिक रोजमर्रा का जो चीज़ होता है खाने पीने का चीज़, वो इतना आसमान उसका महंगाई इतना आसमान छू रहा है कि लोग परेशान हैं। और पूरा है ना सो जनता त्रस्त होके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का है ना सो आवास ये सब पर आग लगा दिया है, कब्जा कर लिया है, या पूरा एकदम त्राहिमाम स्थिति हो गया है पूरा श्रीलंका में। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि कैसे चीन के कर्ज में डूब के पूरा उसका है ना सो कृषि कैसे चौपट हुआ, है ना सो ये केमिकल फर्टिलाइजर पर बैंड ये सब किया था श्रीलंका वाला, फिर है ना चीन के कर्जे में डूब गया था, फिर उसके बाद है ना सो उसका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार ये सब है ना सो पूरा ये है ना सो नहीं रहा, पर्यटन उद्योग पूरा ख़त्म हो गया था जिसके कारण ये हुआ है। तो अभी ये तो हमारा दक्षिण पड़ोसी देश है श्रीलंका जो कि पूरा दिवालिया हो चुका है, वहाँ पर क्या स्थिति है, तो इस पर हम लोग तो चर्चा किए थे, लेकिन अभी बहुत ही गंभीर मुद्दा पर ये चर्चा कर रहे हैं कि एक तो हमारा श्रीलंका तो पूरा दिवालिया हो चुका है, लेकिन हमारा एक और पड़ोसी देश है और हम लोग का दुश्मन देश है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो हम लोग तो दुश्मनी देश कहते हैं, तो ये पाकिस्तान भी अब दिवालिया होने के कगार पर है, यानी कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जो कि काफ़ी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दो महीना में ये भी है ना सो श्रीलंका की तरह पूरा दिवालिया हो जाएगा। तो अभी है ना पाकिस्तान का हालत ये है कि वहाँ पर महंगाई चरम पर है, एकदम महंगाई तो एकदम चरम पर है ही, और वहाँ खाने पीने की चीज़ यानी कि रोज़मर्रा दैनिक दैनिक कार्य क्या यानी कि दैनिक जीवन का जो चीज़ होता है रोज़मर्रा का चीज़ वो काफ़ी महंगा हो रहा है। आटा चावल दाल पेट्रोल डीजल ये सब काफ़ी आसमान छू रहा है, वहाँ भी जाना जनता पब्लिक एकदम त्रस्त है। और है ना सो और भी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये है ना सो परमाणु पाकिस्तान जो है एक है ना सो परमाणु संपन्न देश है, तो ये जो इस तरह का स्थिति हो गया है, अगर वो पूरा दिवालिया हो जाएगा, वहाँ भी पब्लिक जनता लोग सड़क पर आ जाएगी, तो फिर अगर ना ये न्यूक्लियर है ना सो स्टेट है परमाणु संपन्न देश है, तो यहाँ के न्यूक्लियर वेपन ये सब का क्या होगा, ये तो बहुत ही पूरे विश्व के लिए खतरा है। अगर ये यहाँ का परमाणु हथियार पाकिस्तान का अगर है ना सो ये आतंकवादी सबके हाथ में लग जाता है, वो फिर बेच के अफगानिस्तान में बेच देता है, तालिबान को बेच देता है, आईएसआईएस को बेच देता है, तो फिर क्या होगा। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ये जो है ना श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी दिवालिया हो सकता है, तो इसका आधार क्या है, क्या आधार है कि है ना सो पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा, तो इसी पर हम लोग देख रहे थे, कंपैरिजन कर रहे हैं। ये तो है ना श्रीलंका के बारे में पूरा लिस्ट है, और ये पाकिस्तान में, तो देखिए पाकिस्तान में अभी पेट्रोल कैसे है, 250 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम है 250 रुपये लीटर, और श्रीलंका में 550 रुपये लीटर। तो है ना सो ये श्रीलंका में पेट्रोल का दाम है 550 रुपये लीटर, और है ना सो पेट्रोल का है 250 रुपये लीटर। दूध पाकिस्तान में दूध है 180 रुपये लीटर, एक लीटर दूध का कीमत है पाकिस्तान में 180 रुपये, और श्रीलंका में 320 रुपये। तो श्रीलंका में 320 रुपये लीटर दूध का कीमत है, और है ना सो पाकिस्तान में आटा 83 रुपये है ना, 1 किलो आटा का दाम है कितना है 83 रुपये, वही श्रीलंका में 1 किलो आटा का दाम है कितना 85 रुपये, जबकि हमारे देश में अभी भी 30 से 35 रुपये के बीच में भारत में 1 किलो आटा मिल जाता है, लेकिन है ना सो ये पाकिस्तान में आटा है 83 रुपये में एक किलो आटा मिलेगा, और श्रीलंका में 85 रुपये में 1 किलो आटा। और चीनी देखिए पाकिस्तान में चीनी है ना 90 रुपये एक किलो चीनी का दाम पाकिस्तान में 90 रुपये, और श्रीलंका में लगभग 150 रुपये, और भारत का कंपेरिजन करें तो भारत में लगभग 45 से 50 रुपये में मिल जाता है 1 किलो चीनी, 50 रुपये में मिल जाता है, और ये पाकिस्तान में 90 और श्रीलंका में 150 रुपये एक अमेरिकी डॉलर का कीमत है। पाकिस्तान में देखिए एक अमेरिकी डॉलर का कीमत है पाकिस्तान में कितना 206 रुपये, यानी कि एक अमेरिकन डॉलर का कीमत है पाकिस्तान में कितना 206 रुपये, और ये श्रीलंका में एक अमेरिकन डॉलर का कीमत कितना है 362 रुपये। तो आप देखिए ये अमेरिकन डॉलर है, अगर कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में एक अमेरिकन डॉलर का कितना है 206 रुपये, और श्रीलंका में 362 रुपये, भारत में एक अमेरिकी डॉलर का है आज के डेट में 80 रुपये। तो देखिए ये है ना सो एकदम पाकिस्तान का और श्रीलंका का एकदम
एक एक ही राह पर चल रहा है, एकदम 19-20 के राह पर है। विदेशी मुद्रा भंडार, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार होता है कि फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन रिजर्व जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान का 8.99 अरब डॉलर ये है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 8.99 अरब अमेरिकन डॉलर है, यह है फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व ये पाकिस्तान का। और श्रीलंका का कितना फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 2 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर, लगभग दो अरब अमेरिकन डॉलर के करीब है विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये श्रीलंका का 2 अरब डॉलर ये है विदेशी मुद्रा भंडार, और ये पाकिस्तान का लगभग 9 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये 9 अरब डॉलर जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे पाकिस्तान कितना दिन तक पेट्रोल डीजल या जरूरी सामान बाहर से मंगवा सकता है, तो लगभग 1 से 1.5 महीना, 2 महीना में तो पूरा ये दिवालिया हो जाएगा। यानी कि इतना इतना जो कम है, लगभग कितना है 9 अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है, तो इतना में 1 से 1.5 पेट्रोल डीजल या जरूरी सामान बाहर से अगर उसको खरीदना होगा पाकिस्तान को, तो 1 से 1.5 महीना 2 महीना में पूरा ये बर्बादी कंगाली हो जाएगा। अच्छा, महंगाई दर 20% के पार है पाकिस्तान में, महंगाई दर 20% के पार है, कितना है, काफ़ी ज़्यादा है महंगाई दर। और ये ना सो कर्ज, विदेशी कर्ज कितना है, 88 अरब डॉलर विदेशी कर्ज है। तो पाकिस्तान के पास कितना कर्ज है, 88 अरब अमेरिकन डॉलर के करीब, 88 अरब अमेरिकन डॉलर विदेशी कर्ज है। और श्रीलंका के पास कितना है, 51 अरब डॉलर विदेशी कर्ज है। तो आप समझ सकते हैं श्रीलंका का है ना जो विदेशी कर्ज है, 51 अरब अमेरिकन डॉलर विदेशी कर्ज है, और ये पाकिस्तान का है 88 अरब अमेरिकन डॉलर विदेशी कर्ज है। तो लगभग ना सो श्रीलंका से दुगुना कर्जा में है आज के डेट में पाकिस्तान, जितना जितना श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज है, लगभग पाकिस्तान का लगभग उससे है ना सो 1.5 गुना या 2 गुना के करीब है ना सो विदेशी कर्ज है। आप इस सब को जान के या फिर एक चीज़ समझ लीजिए कि श्रीलंका का आबादी कितना है, लगभग 2.25 करोड़, और पाकिस्तान का आबादी 24 से 25 करोड़, तो 10 से 11 गुना ज़्यादा आबादी है। और इसका है ना सो विदेशी कर्ज है श्रीलंका का 51 अरब अमेरिकन डॉलर विदेशी कर्ज है, और पाकिस्तान का 88 अरब अमेरिकन डॉलर विदेशी कर्ज है, लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कर्ज है। तो ये पूरा है ना, इसका है ना सो विदेशी मुद्रा भंडार है ना बहुत काफ़ी कम हो गया है, लगभग 9 अरब अमेरिकन डॉलर इसका है ना सो विदेशी मुद्रा भंडार है। और श्रीलंका का कितना है, 2 अरब अमेरिकन डॉलर है ना विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। तो ये पूरा दिवालिया हो चुका है श्रीलंका। आज ये जो 9 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के पास है ना विदेशी मुद्रा भंडार है, तो उससे लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना में पेट्रोल डीजल गैस एलपीजी गैस या जो भी है ना सो जो विदेश से है ना सो ये आयात करते हैं हम लोग, ये पाकिस्तान आयात करने के लिए 1 से 1.5 महीना 2 महीना के बाद इसके बाद पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका फॉरेन रिजर्व रहेगा नहीं, तो बाहर से कैसे मंगवाएगा, गोल्ड का भी रिजर्व भी उसके पास काफ़ी कम है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान में पूरा दिवालिया हो जाएगा। अच्छा, दोनों देश का कंपेरिजन किया जाए तो ये श्रीलंका पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ ये है कि श्रीलंका है ना सो ये है ना पूरा चीन के डेब्ट ट्रैप में पूरा फंसा हुआ था, यानी कि चीन के कर्ज में पूरा ये श्रीलंका फंसा हुआ था, जिसके कारण उसका है ना सो हम्बन टोटा पूरा है ना जो पोर्ट था ये पूरा है ना सो चीन है ना सो अपने कब्जे में हथिया लिया। उसी तरह ये पाकिस्तान में भी है ना पूरा चीन के कर्ज जाल में पूरा फंस चुका है। आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान का जो है ना ग्वादर, ये ना ग्वादर जो है ना पोर्ट है, ये भी है ना सो चीन बनवा रहा है, और ये भी पूरा है ना सो चीन लगभग इसको हथिया ही लेगा। तो ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों चीन के कर्ज जाल में पूरा फंस चुका है, बुरी तरह फंस चुका है। और ना सो आप ये देख लीजिए कि श्रीलंका बर्बाद हुआ, इसका कारण था वहाँ पर खानदानी पॉलिटिक्स, यानी कि एक ही परिवार का लोग वहाँ पर शासन कर रहा था, और जम के भ्रष्टाचार, जितना भी वहाँ पर विकास योजना हुआ, जितना भी श्रीलंका जो विदेश से जो कर्ज लिया, और जितना भी वहाँ पर विकास योजना ये सब होता था, उसमें जमकर भ्रष्टाचार, और एक ही परिवार का शासन था, खानदानी पॉलिटिक्स था। पाकिस्तान में भी वही होता है, यहाँ भी जम के भ्रष्टाचार होता है, जितना भी ना सो ये विदेशी फंड आता है, जहाँ जहाँ से चीन से कर्ज लिया है, इसमें जमकर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार होता है। पाकिस्तान में भी खानदानी पॉलिटिक्स है। अब बेनजीर भुट्टो है, उसका बेटा बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बन गया,
आप देखिए है ना शहबाज शरीफ है तो ये है ना सो नवाज शरीफ का भाई है, तो पूरा यहाँ पर खानदानी पॉलिटिक्स में जम के नेता सब काली भ्रष्टाचार करता है और ये सब जम के है ना सो विदेशी कर्ज के जाल में पूरा डूबा हुआ है। श्रीलंका भी विदेशी कर्ज लेके है ना पूरा डूब गया, बर्बाद हो गया, और पाकिस्तान तो इतना विदेशी कर्ज लिया हुआ है कि क्या क्या कहें उसका, तो पूरा भीख कटोरा लेके भीख मांगता है, एक तरह से भीख ही मांगता है। और इसका है ना सो ये जो है ना सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है तो है ना इसको है ना सो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, यानी कि इधर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया हुआ है और उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद ये इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। अब इस ये जो ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है या ब्लैक लिस्ट में डालने का बात हो रहा है तो इसके कारण उसको वर्ल्ड बैंक IMF इसको कर्ज नहीं देगा, बहुत ही कड़ी कठिन शर्तों पर इसको मिलेगा, अभी तो खाली बहुत ही कठिन कड़े शर्तों पर इसको है ना पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा और उसको काफ़ी रिफॉर्म करना होगा जो कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अभी चीन जो कर्ज दिया है तो काफ़ी ऊंचे ब्याज दर पर है ना सो चीन पाकिस्तान को कर्ज दिया है, 18% ब्याज दर पर है ना सो पाकिस्तान को कर्ज दिया है चीन, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF कितना देता है लगभग 2-3% पर है ना कर्ज देता है, ये चीन उसको काफ़ी ऊँचे दर पर है ना सो है ना इंटरेस्ट रेट पर काफ़ी ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर पाकिस्तान को कर्ज दिया है, ये पूरा वसूलेगा छोड़ेगा तो नहीं, तो चीन के कर्ज जाल में पाकिस्तान भी फंसा ये तो पूरे दुनिया जानती है कि श्रीलंका भी चीन के कर्ज जाल में फंस के पूरा है ना सो दिवालिया हो चुका है। अब यहाँ चीन है ना सो वहाँ हम्बन टोटा पोर्ट पर श्रीलंका में कब्जा कर लिया, यहाँ ग्वादर जो पोर्ट है जो चीन पाकिस्तान में बना रहा है उस पर भी अब ये कब्जा करेगा, तो यहाँ पर जम के भ्रष्टाचार दोनों देश में हो रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, यहाँ पर परमाणु हथियार काफ़ी बड़ी संख्या में है, महंगाई दर इतना है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई शिक्षा नाम का चीज़ें नहीं है, महंगाई इतना है कि आटा का कीमत अब है ना 100 रुपये किलो आटा बिक रहा है, चीनी है, पेट्रोल डीजल आसमान का दाम आसमान छू रहा है, तो लोग यहाँ भी है ना सो पूरा उम्मीद है कि 1-2 महीना में है ना सो पब्लिक विद्रोह कर देगा और पूरा है ना सो वहाँ का राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री संसद पार्लियामेंट पाकिस्तान पर पूरा पब्लिक ही कब्जा कर लेगा। और ऐसा ही आगजनी जैसे श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दिया वहाँ का पब्लिक, तो वही उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी यही सब होगा और वहाँ का जो जितना भी है ना सेना ये सब है जो जम के भ्रष्टाचार करता है तो उसको भी पब्लिक छोड़ेगा नहीं, और उसके बाद जितना भी वहाँ का न्यूक्लियर विपन है सब है ना सो हो सके तो आतंकवादी ले जाएगा, तालिबान बगल में अफगानिस्तान है तालिबान है वो सब ले जा सकता है, या कहीं है ना कोई IS ले सकता है या कोई भी है ना सो ऐसे ही 150-200 उसके पास न्यूक्लियर विपन है, पाकिस्तान के पास किसके पास जाएगा नहीं जाएगा, ये काफ़ी पूरे दुनिया को काफ़ी थ्रीट है खतरा है। तो ये जो स्थिति जब अभी पाकिस्तान में है जो पूरे है ना विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, जम के भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरा है ना सो गंभीर आर्थिक संकट में डूब गया, तो श्रीलंका दिवालिया हो गया, श्रीलंका में अगर दिवालिया हो गया है तो वहाँ पर इतना आतंकवाद नहीं है, टेररिज्म नहीं है, न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, उतना है ना सो खतरा वाला चीज़ नहीं है। चीन है ना ये श्रीलंका है ना सो रिवाइव भी कर सकता है क्योंकि वहाँ का पर्यटन उद्योग काफ़ी बड़ा है, इसलैंड है ना सो कंट्री है, धीरे धीरे है ना सो वो रिवाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान तो ये आतंकवादी का गढ़ है, आप यहाँ पर कोई है ना पर्यटन उद्योग के लिए जाता नहीं है, कोई है ना यहाँ पर है ना सो पैसा नहीं लगाता है, यहाँ आर्थिक तरक्की आर्थिक विकास के लिए कोई भी विदेशी लोग आके यहाँ पर पैसा नहीं लगाएगा, पूरा आतंकवाद का माहौल है, तो ये तो पूरा है ना सो यहाँ पर क्या होगा पूरे विश्व के लिए काफ़ी खतरा गंभीर खतरा का ये बात होने वाला है। तो ये आप जान लीजिए कि पाकिस्तान पूरा दिवालिया हो जाएगा, एक से 1.5 महीना 2 महीना के अंदर में ये पूरा दिवालिया हो जाएगा, तो ये सावधान रहिए। धन्यवाद।